हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एक और कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला, इसका 5वां अध्याय। इसके श्लोक संख्या 72 तक हमने चर्चा किया था। इस अध्याय का नाम है ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा वर्णन कर रहे हैं। तो अभी ये प्रसंग चल रहा था कल, जो हमने चर्चा किया कि भगवान महाविष्णु के शरीर से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, तो उसको किस प्रकार से तुलना किया गया है। ब्रह्मा जी ये श्लोक भागवत में, ब्रह्म संहिता में, इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि जैसे खिड़की होता है, खिड़की से जो छिद्र होता है, होल से सूर्य की रोशनी आती है, तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स जिस तरह से दिखते हैं, वैसे भगवान के एक एक रोमकूप से ऐसे असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। तो यह है भगवान महाविष्णु की महिमा। और भगवान महाविष्णु कौन है? हमसे राम सये कला तारना, गोविंदेरा प्रतिमूर्ति श्री बलराम। A part of a whole is called a kala. Shri Balaram is the counter form of Lord Govinda. तो part of a whole is called a kala. तो कला है। महाविष्णु कौन है? भगवान बलराम के, नित्यानंद प्रभु के कला है। गोविंद, भगवान गोविंद के काउंटर फॉर्म यानी द्वितीय स्वरूप भगवान बलराम है। प्रतिमूर्ति बोलते हैं या द्वितीय स्वरूप भी बोला जाता है, सेकेंड फॉर्म इस लॉर्ड बलराम, वही नित्यानंद प्रभु। और उनकी ही उनके कला है कौन? महाविष्णु। ये ब्रह्म संहिता के श्लोक में ये जो आया था, कला विशेषो विष्णुर्महान सह्ययस्य कला विशेषो। महान विष्णु यानी महाविष्णु जिनकी कला है, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो कला का अर्थ क्या है बताया गया है? कला का अर्थ होता है अमसेरा अमस यही कला तारना, अ पार्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी भगवान बलराम के पार्ट विस्तार के विस्तार को तो कला बोला जाता है। ठीक है, वो है भगवान महाविष्णु। तार एक स्वरूप श्री महासंकर्षण, तारम स पुरुष है कला त्रिगण। तो नित्यानंद बलराम के एक कल अंश हुए, स्वरूप हुए श्री महासंकर्षण, और एंड हिज फ्रेगमेंट द पुरुषा इज काउंटेड एज ए कला और अ पार्ट ऑफ अ प्लेनरी पोर्शन। और उनके एक अंश हुए, फ्रेगमेंट हुए पुरुष महाविष्णु, इसलिए उनको कला बोला जाता है। ठीक है, यहाँ के तकला कहिती हो महाविष्णु, महापुरुष अवतारिते हो सर्व जिष्णु। आई से दैट दिस कला इज महाविष्णु। ये कला कौन है? महाविष्णु। ही इज द महापुरुष हु इज द सोर्स ऑफ अदर पुरुषास एंड हु इज ऑल परवेड। तो जो फर्स्ट पुरुष है जिनको महापुरुष भी बोला जाता है या महाविष्णु के नाम से विख्यात है, पहले विष्णु है भौतिक सृष्टि में, और वो ही स्रोत हैं अन्य जितने भी विष्णु तत्व आते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में। जितने भी विष्णु अवतार आते हैं, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं पर भगवान गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। तो जितने भी असंख्य अवतार आते हैं, कितने अवतार आते हैं ब्रह्मा भगवान विष्णु के इस भौतिक जगत में? एक एक भौतिक ब्रह्मांड में काउंटलेस इंकार्नेशन, उनकी गणना नहीं की जा सकती। हर युग में एक एक युगा अवतार आते हैं, और फिर एक एक मन्वंतर अवतार है, फिर गुणा अवतार है, हाँ लीला अवतार है, इस तरह के असंख्य अवतार हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने युग होते हैं? 1000 बार साइकिल होता है, यानी 4000 अवतार तो ऐसे ही हो गए ब्रह्मा जी के 12 घंटे में। और फिर ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मन्वंतर होते, तो मन्वंतर अवतार। फिर गुणावतार तो खैर 3 ही रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आते हैं। फिर इस तरह से लीला अवतार, शक्ति आवेश अवतार, ऐसे असंख्य अवतार हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में।
और ऐसे पूरे ब्रह्मा जी की अवधि में एक ब्रह्मांड, फिर ऐसे कितने ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भगवान कितने, महाविष्णु विष्णु के कितने अवतार होते हैं इस सृष्टि में आते हैं। और वो जितने भी अवतार हैं वो सब जो है वास्तव में उनके मूल स्रोत कौन है, भगवान महाविष्णु है। और महाविष्णु कौन है, वो भगवान नित्यानंद बलराम के विस्तार है, कला कला इसलिए बोला गया। और ये महाविष्णु सर्वजिष्णु यानी सारे ऑल परवेडिंग, हर जगह व्याप्त करते हैं अपने आप। कैसे व्याप्त करते हैं ये आगे आएगा। गर्भोद शिरोदशाय दुहे पुरुष ना से दुहे या राम स विष्णु विश्व धाम। गर्भोदशाय एंड शिरोदशाय आर बोथ कॉल्ड पुरुषास, दे आर प्लेनरी पोर्शन ऑफ कारणोदशाय विष्णु द फर्स्ट पुरुष हु इज द अबोर्ड ऑफ ऑल द यूनिवर्स। सो गर्भोदशाय विष्णु, कारणोदशाय विष्णु यानी महाविष्णु अपने आप को फिर गर्भोदशाय विष्णु और फिर उसके पश्चात शिरोदशाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। और शिरोदशाय विष्णु अपना विस्तार असंख्य रूप में परमात्मा के रूप में करते हैं और हर एक जीवात्मा के हृदय में और हर एक 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 एटम के अंदर में जाते हैं। एक एक परमाणु के अंदर भी परमात्मा का निवास है और एक एक जीवात्मा के शरीर में भी है। तो इस तरह से असंख्य अपना विस्तार करते हैं कौन, शिरोदशाय विष्णु। और शिरोदक्षाय विष्णु कौन है, वो गर्भोदक्षाय विष्णु के अंश है या उनके विस्तार है। गर्भोदक्षाय विष्णु महाविष्णु के अंश है, विस्तार है। महाविष्णु कौन है, भगवान नित्यानंद बलराम के विस्तार है। और नित्यानंद बलराम कौन है, भगवान कृष्ण और गोविंद जैसे चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे भगवान ये कार्य करते हैं। द सिम्टम्स ऑफ द पुरुषा आर डिस्क्राइब इन द लघु भागवतामृत। While describing the incarnations of the Supreme Personality of Godhead, the author has quoted from the Vishnu Purana, where it is said, "Let me offer my respectful obeisances unto Purushottama, Lord Krishna, who is always free from the contamination of the six material dualities, whose planetary expansion Mahavishnu glances over matter to create the cosmic manifestation, who expands himself in various transcendental forms, all of which are one and the same." Who is the master of all living entities, who is always free and liberated from the contamination of material energy, and who, when he appears in this material world, seems one of us, although he has an eternally spiritual, blissful transcendence. तो ये विष्णु पुराण से कोट किया गया 6.8.59 ये श्लोक का यहाँ पे अनुवाद लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, जो इसी अध्याय में कई श्लोक पूर्व वो श्लोक भी कोट कर चुके थे ऑलरेडी। तो वहां से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि भगवान कृष्ण के विस्तार है महाविष्णु, जो माया के ऊपर दृष्टिपात करके इस सृष्टि की रचना करते हैं। इन समराइजिंग दिस स्टेटमेंट, रूप गोस्वामी हैज कंक्लूडेड दैट द प्लेनरी एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हु एक्ट्स इन कॉपरेशन विद द मटेरियल एनर्जी इज कॉल्ड पुरुष। तो पुरुष किनको बोला जाता है, इसका डेफिनेशन देते हैं कि जो माया के पति, माया भर्ता होते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं उनको पुरुष बोलते हैं। तो तीन प्रकार के पुरुष हम चर्चा किए। अब ये श्लोक यहाँ पे लघु भागवतामृत से कोट किया गया है, सात्वत तंत्र से ये श्लोक आता है। दिस वर्स अपियर्स इन लघु भागवतामृत वेयर इट हैज बीन कोटेड फ्रॉम द सात्वत तंत्र। विष्णुस्तु त्रीण रूपाणि पुरुषाख्यान यथो विदु, एकम तु महता सृष्ट, द्वितीयम तु अंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतिस्थम, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। विष्णु तो तीन रूपाणि, तीन प्रकार के विष्णु पुरुषाख्यानि अथो विदु, जिनको पुरुष के नाम से जाना जाता है। एक महतः सृष्ट, एक महाविष्णु है। द्वितीयम तु अंड संस्थितम, जो दूसरे हैं ब्रह्मांड में स्थित होते हैं, गर्भोदक्षय विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। तृतीयम सर्वभूतिस्थम, और जो तीसरे हैं वो हर जीवात्माओं के हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में। तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, इनको जो जानता है वो मुक्त हो जाता है। यद्यपि कहिए तारे कृष्णेर कला करी, मत्स्य कूर्मादि अवतारे रति अवतारी। हालांकि ऑल्दो कारुणोदक्षाय विष्णु इज कॉल्ड अ कला ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ही इज द सोर्स ऑफ मत्स्य कूर्म एंड अदर इनकार्नेशंस। तो महाविष्णु कारुणोदक्षाय विष्णु
हालांकि भगवान कृष्ण की कला है, कृष्ण की कला मतलब विस्तार के विस्तार, पार्ट ऑफ द पार्ट। लेकिन वो महाविष्णु कौन है? जितने भी मत्स्य कूर्म आदि अवतार आते हैं इस पृथ्वी में, उन सब के स्रोत है, उनसे ही प्रकट होते हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ते युगे युगे। तब ये कोट, ये रेफरेंस दे रहे हैं भागवत से। ये भागवत का पहले अध्याय के तीसरे, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28 नंबर श्लोक। ये बहुत फेमस वर्स है जिसमें स्पष्ट बताया गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है स्वयं भगवान। बाकी जितने भी अवतार एते, मतलब पूरा लिस्ट जो उस अध्याय में बताया गया, इसके ऊपर हमने बड़े विस्तार से चर्चा किया। भागवत का तीसरे अध्याय का 28 नंबर श्लोक है, आप लोग उसको सुन सकते हैं। तो उसमें ये श्लोक में विस्तार से वर्णन है कि ऑल दीज इनकार्नेशन ऑफ गॉड हेड आर आइदर प्लेनरी पोर्शन और पार्ट ऑफ द प्लेनरी पोर्शन ऑफ द पुरुष अवतार। ये जितने भी लिस्ट सुखदेव गोस्वामी अवतारों की प्रस्तुत करते हैं, लगभग 22 अवतारों की, और उसके बाद बोलते हैं कि असंख्य हैं अवतार, तो बहुत सारे हैं। 22 का तो उन्होंने जो मुख्य मुख्य हैं, जिनका मानव समाज से कुछ था लेन देन, उनका वर्णन करते हैं। फिर बताते हैं ऐसे असंख्य अवतार हैं, हर हर स्पीसीज में भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन वो सब के सब अवतार क्या हैं? वो या तो अंश हैं या तो कला है किसके? पुंसा, पुंसा मतलब महाविष्णु, विष्णु के कला या अंश हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है जिनसे पुंसा यानी पुरुष सभी अंश आते हैं। तो भागवत से भी प्रमाणित होता है। से पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय रकर्ता नाना अवतार कर जगते र भरता। दैट पुरुष कारण दक्षाय विष्णु इज द परफॉर्मर ऑफ क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। वो जो पुरुष है महाविष्णु, कारणो दक्षाय विष्णु, वो इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति और प्रलय का कार्य करते हैं मुख्य रूप से। और ऐसे नाना असंख्य अवतार लेते हैं जगत एर भरता, इस भौतिक ब्रह्मांड को मेंटेन करने के। सृष्टि आदि निमित्त ये अंशेर अवधान से अंशेर कही अवतारना। दैट फ्रेगमेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड नोन एज द महापुरुष अपियर्स फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन इज कॉल्ड एन इनकार्नेशन। तो भगवान महाविष्णु के उस अंश को जो कि प्रकट होते हैं इस भौतिक संसार में सृष्टि आदि वो करने के लिए, सृष्टि आदि निमित्ते यानी क्रिएशन डिस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के लिए, तो उनको अवतार बोला जाता है। यानी अवतार के क्या कर्तव्य है ये श्लोक में बताया गया। आद्य अवतार महापुरुष भगवान सर्व अवतार बीज सर्वाश्रय धाम। तो इसलिए महापुरुष जो है यानी महाविष्णु, कारणो दक्षाय विष्णु, ही इज आइडेंटिकल विद द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और सर्व अवतार बीज वो सारे अवतारों के स्रोत बीज है, द सीड ऑफ ऑल अदर्स एंड सेल्टर ऑफ एवरीथिंग। और सर्व आश्रय धाम, हर किसी के वो आश्रय है, स्रोत है। समस्त भौतिक ब्रह्मांड के भी आश्रय हैं, इस भौतिक ब्रह्मांड में रहने वाले सारे जीवात्माओं के भी आश्रय हैं, और साथ ही साथ में इस भौतिक ब्रह्मांड में समय समय पर अवतरित होने वाले भिन्न भिन्न अवतारों के भी आश्रय कौन है? भगवान महाविष्णु है। और वो महाविष्णु जिनके आश्रय में रहते हैं वो है भगवान कृष्ण। इसके बारे में बहुत सारी, एक बहुत अच्छी लीला भी आती है भागवत में, वर्णन है कि भगवान महाविष्णु जब भगवान कृष्ण आए थे, तो कृष्ण जब आते हैं तो वो अवतार नहीं होते हैं, वो अवतार ही है। तो भगवान जब आए तो महाविष्णु को भी इच्छा हुआ कृष्ण का दर्शन करने, तो हस्तिनापुर के वो एक ब्राह्मण के 10 पुत्रों को जो है बार बार चोरी करके ले जा रहे थे। फाइनली फिर अर्जुन जो है चैलेंज करते हैं कि मैं लेके आऊंगा। तो यहाँ अर्जुन पूरे ब्रह्मांड में ऊपर से नीचे तक जाते हैं कृष्ण के साथ, कहीं पे नहीं मिलते। फिर फाइनली भगवान कृष्ण बोलते हैं चलो मैं लेके चलता हूँ, मुझे मालूम है कौन लेके गए। ब्रह्मांड को पार करके भेद के भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके जाते हैं कारण कारण सागर। और वहां पे कारणो दक्षाय विष्णु से भेंट होती, मुलाकात होती है। और फिर महाविष्णु जो है वो 10 पुत्रों को सौंपते हैं अर्जुन को, और अर्जुन को बताते हैं कारण क्यों मैंने
बच्चों को चुराया। वो बोले मुझे मालूम था इन बच्चों को मैं चुराऊंगा, और अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करोगे और फिर तुम वैसे ही प्रतिज्ञा करोगे कि अगर मैं ला के नहीं लेके नहीं आया बच्चों को तो मैं चिता में बैठ जाऊंगा, और कृष्ण भक्त वत्सल हैं तुम्हारी रक्षा के लिए, वो कृष्ण जरूर बालकों को लेने के लिए मेरे पास आएंगे, तो इससे मुझे कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। तो ये लीला है, अद्भुत लीला है। तो वहाँ ये एक प्रमाण है जिससे पता चलता है कि यहाँ तक कि भगवान महाविष्णु भी ललायित रहते हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। महाविष्णु और समेत तो जितने भी विष्णु तत्व हैं इंक्लूडिंग लॉर्ड बलराम, क्योंकि मुख्यतः तो भगवान बलराम से ही सारे विष्णु तत्व आते हैं, भगवान बलराम से लेकर के जितने भी विष्णु तत्व हैं सब वास्तव में अपने आप को कृष्ण का दास समझते हैं और कृष्ण के सेवा करना चाहते हैं, और कृष्ण के सेवा के भाव से ही वो इस भौतिक संसार में ये सृष्टि लीला आदि कार्य करते हैं। तो ये अब ये लघु भागवतामृत से श्लोक कोट किया गया है जिसमें इसके बारे में वर्णन प्राप्त होता है। दिस इज अ वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, भागवत का श्लोक है डिस्क्राइबिंग इनकार्नेशन। ये भागवत के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 42 नंबर श्लोक। आद्योगतारः पुरुषः परस्य काला स्वभाव सदसन्मनस्य द्रव्यम विकार गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्मि चरिष्णु भूना। तो जो दूसरा स्कंद है उसका नाम ही है, वो वास्तव में सृष्टि के बारे में बताता है, फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। तो बहुत ही सृष्टि का बड़ा डिटेल में वहां पे वर्णन है, तो वहां पे श्लोक आता है। द पुरुष महाविष्णु इज द प्राइमरी इंकार्नेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इसलिए आद्य अवतार बोला जाए, आदि अवतार। आद्य अवतार मतलब प्राइमरी फर्स्ट इंकार्नेशन। पुरुष महाविष्णु को परस्य, परस्य मतलब भगवान, भगवान कृष्ण के सबसे पहले अवतार कौन है इस भौतिक सृष्टि में, महाविष्णु, कारण लक्षय विष्णु। फिर काला स्वभाव सदसन मनस्य द्रव्यम विकार गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्म चरिष्णु। फिर महाविष्णु से ये सारी चीजें प्रकट होती है, टाइम नेचर प्रकृति द माइंड मटेरियल एलिमेंट्स फॉल्स ईगो मोड्स ऑफ नेचर सेंसेस यूनिवर्सल फॉर्म कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड द मूविंग एंड नॉन मूविंग बींग्स अपीयर सब्सिक्वेंटली एज हिज ऑपुलेंसेस। तो ये रेफरेंस दिया जा रहा है, प्रमाण दिया जा रहा है ना, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं ये तो आप गौड़ी वैष्णव की धारणा है, आप लोग सोचते हैं कि कृष्ण से विष्णु आते हैं, कृष्ण ओरिजिनल है और विष्णु उनके अवतार हैं। लेकिन यहाँ हमारे आचार्यों ने कोट किया है, ये भागवत का श्लोक, उसके पहले जो श्लोक कोट किया था वो सात्वत तंत्र से था, ये भी उसके पहले भी एक और श्लोक था ये भागवत से। तो भागवत से दो श्लोकों के माध्यम से कविराज गोस्वामी ये प्रूव कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है जिसमें बताया गया स्पष्ट रूप में कि आद्य अवतार पुरुषा, पुरुषा मतलब विष्णु, विष्णु को पुरुष बोलते हैं, सबसे पहले पुरुष है महाविष्णु। आद्य अवतार पुरुषा परस्य, परस्य मतलब सुप्रीम लॉर्ड के पहले अवतार है पुरुष के रूप में, और ये सारी चीजें फिर उनके ईश्वर के रूप में प्रकट। सो डिस्क्राइबिंग द इनकार्नेशन एंड देयर सिम्टम्स द लघु भागवतामृत हैज स्टेटेड दैट व्हेन लॉर्ड कृष्ण डिसेंड्स टू कंडक्ट द क्रिएटिव अफेयर्स ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन ही इज एन अवतार और इनकार्नेशन। द टू कैटेगरीज ऑफ अवतार आर एम्पावर्ड डिवोटीज एंड तद एकात्म रूप। एन एग्जाम्पल ऑफ तद एकात्म रूप इज शेषा एंड एन एग्जाम्पल ऑफ डिवोटीज वसुदेव द फादर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। श्री बलदेव विद्याभूषण हैज कमेंटेड दैट द मटेरियल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज अ पार्शियल किंगडम ऑफ गॉड वेयर गॉड मस्ट समटाइम्स कम टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक फंक्शन। द प्लेनरी पोर्शन ऑफ द लॉर्ड थ्रू होम लॉर्ड कृष्णा एग्जीक्यूट सच एक्शन इज कॉल्ड महाविष्णु हु इज द प्राइमल बिगिनिंग ऑफ ऑल इनकार्नेशन। इनएक्सपीरियंस ऑब्जर्वर्स प्रिज्यूम दैट द मटेरियल एनर्जी प्रोवाइड्स बोथ द कॉज एंड द एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एंड द लिविंग एंटिटीज आर द एंजॉयर्स ऑफ मटेरियलाइजेशन, बट द डिवोटीज ऑफ द भागवत स्कूल विच हैज स्क्रूटिनाइजिंगली एग्जामाइंड द एंटायर सिचुएशन कैन अंडरस्टैंड दैट मटेरियल नेचर कैन इंडिपेंडेंटली बी नाइदर द सप्लायर ऑफ द मटेरियल एलिमेंट्स नॉर द कॉज ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन। मटेरियल नेचर गेट्स द पावर टू सप्लाई द मटेरियल एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्लैंड ऑफ द सुप्रीम पुरुष महाविष्णु
एंड व्हेन एम्पावर्ड बाय हिम सी इज कॉल्ड द कॉज ऑफ द मटेरियल बोथ फीचर्स ऑफ मटेरियल नेचर एज द कॉज ऑफ द मटेरियल क्रिएशन एंड एज द सोर्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स एग्जिस्ट ड्यू टू द ग्लैंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड The various expansions of the Supreme Lord who act to empower the material energy are known as planetary expansions or incarnations. As illustrated by the example of many flames lit from one flame, all these planetary expansions and incarnations are good, are as good as Vishnu himself. Nevertheless, because of their activities in controlling Maya, sometimes they are called Mayik or having a relationship with Maya. This is a verse from Srimad Bhagavatam, 2nd Canto, 6th chapter, 42 verse. इसमें जो बताया गया है वो हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है कि माया दो स्वरूपों में इस भौतिक सृष्टि को चालू करती है, क्रिएट करती है, मेंटेन करती है, डिस्ट्रॉय करती है। एक जो स्वरूप है माया का जिसको प्रधान बोलते हैं उससे भौतिक तत्वों को प्रदान करती है, और एक स्वरूप माया के ही रूप है तो इस उन तत्वों के का इस्तेमाल करके क्रिएशन करती है। तो ये जो दोनों स्वरूप में माया कार्य करती है तो ये स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं करती है। भगवान महाविष्णु जो कि कृष्ण के एक अंश है उनसे शक्ति प्राप्त करके ये कार्य करती है माया। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताया गया। और दूसरा बताया गया जो कि हमने ऑलरेडी इस आदि लीला के तीसरे अध्याय में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वापस ही मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्योंकि तात्पर्य में लिख रहे प्रोपाल थे। क्योंकि हालांकि जो पुरुष है तीन विष्णु, महाविष्णु, गर्भ दक्षा विष्णु, शिरो दक्षा विष्णु, वो भी माया से पूरी तरह से परे हैं, माया का स्पर्श नहीं है और माया के स्वामी है, लेकिन फिर भी उनका क्योंकि माया के साथ संपर्क होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसलिए उनको माइक बोला जाता है कभी कभी। लेकिन भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र है माया से, वो माया माया के द्वारा इस संसार को सृष्टि करने में भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते। उनको जब सृष्टि करना होता है माया का इस्तेमाल करके, माया के द्वारा सृष्टि कराना होता है, तो वो भगवान महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके ये कार्य करते हैं। इसलिए बोला गया कि यद्यपि तार क्रीड़ा मात्र था, कृष्ण का एक ही धर्म है, एक ही कार्य है, क्या? अपने भक्तों के साथ वो लोग वृंदावन में लीलाएं कर, बस यही, बाकी सब वो अपने विस्तार से कर सारा कार्य कर। अब ये तीसरा श्लोक कोट कर रहे हैं भागवत से ही, फिर से ये भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें हमने ऑलरेडी जब सुबह हम जो भागवत कथा करते हैं जिसमें हमने विस्तार से चर्चा किया है, तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं। ये पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें विस्तार से हमने ये इस श्लोक के माध्यम से डिस्कस किया है कि कैसे इससे इस श्लोक से भी ये प्रूफ होता है कि भगवान कृष्ण ही जो है पुरुष का रूप धारण कर, पुरुष मतलब तीन विष्णु, महाविष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु, तो ये श्लोक भी प्राप्त होता है। जगरे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोड सकलम आदौ लोकस्य शिक्षया इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन द लॉर्ड एक्सपेंडेड हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द पुरुष इनकार्नेशन। जगरे मतलब स्वीकार किए, पौरुषम रूपम पुरुष का रूप स्वीकार किए कौन? भगवान, भगवान, भगवान वासुदेव। क्योंकि ये देखिए तीसरे पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, तो दूसरे अध्याय के आखिरी में जो है सूत गोस्वामी भगवान वासुदेव यानी भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, और तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में फिर वर्णन करते हैं कि वही भगवान कृष्ण पौरुषम रूपम पुरुष के रूप को स्वीकार करते हैं जब भौतिक सृष्टि करने का विचार करते हैं। और महादादि भी संभूतम षोडश कलम, षोडश कलम मतलब 16 तत्वों के साथ इस भौतिक लोक शिक्षा विद द डिजायर टू क्रिएट दिस मटेरियल। सो दिस इज अ वर्स फ्रॉम श्रीमद भागवतम। The commentary of Madhava and Srimad Bhagavatam mentions that the following 16 special areas are present in the spiritual world. Sri Bhu Leela Kanti Kirti Tushti Gir Pushti Satya Gyana Gyana Jaya Utkarshini Vimala Yoga Maya Prahavi Ishana and Anugraha. ये 16 प्रकार की शक्तियां हैं जिनको लेकर के भगवान प्रकट होते हैं। इन इस कमेंट्री ऑन द लघु भागवत अमृत श्री बलदेव विद्याभूषण हैज सेड दैट द अबव एनर्जीज आर ऑल्सो नोन बाय 9 नेम्स। इनके 9 अन्य नाम भी हैं तो हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। भागवत संदर्भ में जीव गोस्वामी भी इन शक्तियों के बारे में वर्णन करते हैं, लेकिन कुल मिला के मेन चीज क्या है कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ये अपनी इन 16 प्रकार की शक्तियों को साथ में लेकर के पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं। संभूतम षोडशम कलम, ये एक्सपैंड द 16 प्रिंसिपल एनर्जीज इस सृष्टि की रचना कर लेते हैं। तो ये एक तीसरा श्लोक भागवत से कोट करके कविराज गोस्वामी प्रमाणित कर रहे हैं कि वास्तविकता ये है कि भगवान कृष्ण ही ओरिजिनल
ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, यानी मूल भगवान के स्वरूप है, और उनसे जो है महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, सर्वोदक्ष विष्णु आते हैं, जो सृष्टि भौतिक सृष्टि करते हैं, और फिर वही महाविष्णु, सर्वोदक्ष विष्णु असंख्य विष्णु अवतार लेते हैं, इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।